अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, आपके श्री चरणों में बारंबार नमन। पूज्य महाराज श्री सनातन धर्म की जिस प्रकार सेवा कर रहे हैं वह अद्भुत, अकल्पनीय और सराहनीय है। स्वामी जी के द्वारा इतने भक्तों को भगवान की कथा श्रवण कराकर और जो भगवान की भक्ति की चेतना जो सबके हृदयों में, ये भक्ति का दीपक जो जला रहे हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में दास कोटि कोटि नमस्कार करता है। और पूज्य महाराज जी की दिव्य वाणी जो उन हजारों लाखों माताओं बहनों और भक्तजनों के हृदय में, जिनकी श्रद्धा सो चुकी थी, जिनका भगवत प्रेम और भगवत भक्ति सो चुकी थी, ऐसे भक्तों के हृदयों में भक्ति का दीपक जलाने का कार्य स्वामी जी ने किया है, जो अत्यधिक सराहनीय है। आज ऐसे समाज सेवकों की और ऐसे भक्तों की जरूरत है इस देश को, जहां पग पग में शास्त्रोक्त विधान देकर के और आप सभी की सेवा पूज्य महाराज श्री कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री कुछ वर्ष पहले श्रीधाम वृंदावन आए और ये दास को दर्शन करने का परम सौभाग्य मिला। आज स्वामी जी का दर्शन करने का मुझे परम सौभाग्य मिला और श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर स्वामी जी फिर आए, सादर आमंत्रित करने ये दास आया है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आए हैं। आप जानते हैं भगवान की भक्ति क्यों जरूरी है? जैसे शरीर को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे आत्मा को, हमारे मन मंदिर को भगवान की कथा और भगवान की भक्ति की जरूरत होती है। शरीर चार्ज होता है भोजन से, आत्मा चार्ज होती है भगवत चिंतन से, भगवत भक्ति से, और यही भक्ति हम जीव मात्र का कल्याण करती है। बिना भगवत प्रेम, बिना भक्ति के गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वारी मथे घृत हो य बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवत रही यह सिद्धांत अपेल। बिना भक्ति के शायद बालू का मंथन करने से घी हो जाए, बारी मथे घृत होए बरु, शायद पानी का मंथन करने से घी हो जाए, बालू का मंथन करने से तेल हो जाए, होगा नहीं, शायद हो जाए, फिर बिना भक्ति के किसी का कल्याण नहीं होगा, किसी की गति नहीं होगी, यह अटल सत्य है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। तो आप सभी को भक्ति की परम धारा से जोड़ने वाले पूज्य महाराज श्री के चरणों में ये दास बारंबार नमस्कार करता है। अभी इंदौर की पावन धरा पर कथा का आयोजन हो रहा है, पूज्य स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि कल आपका दर्शन वहां हो और ये दास आपका दर्शन करके कृतार्थ हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सनातन को बचाए रखे हैं और ऐसी अपार भक्तों की भीड़ के साथ आप जन जन तक सनातन को और धर्म को और भक्ति को पहुंचा रहे हैं। आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं कैसे पूज्य महाराज श्री के वाणी को आप श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। भक्ति जीवन में उतनी ही जरूरी है जितना कि शरीर को प्राणवायु की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार हृदय को भक्ति की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है,